हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों और 6 विधानसभा के उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं और कांग्रेस अभी भी मंथन में जुटी है। लेकिन अब ये कांग्रेस की तरफ से साफ हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कब तक करेगी। इस बात के संकेत खुद मुख्यमंत्री सुक्खू और प्रतिभा सिंह ने दे दिए। उधर सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद विक्रमादित्य सिंह ने भी साफ किया है कि कांग्रेस पार्टी कब तक लोकसभा और विधानसभा के उम्मीदवार घोषित करेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जल्दी ही हमारे प्रत्याशियों की घोषणा होगी और आपके सामने प्रत्याशी आएंगे, क्योंकि हमारा अंतिम चरण में चुनाव है, तो प्रत्याशी के लिए हम सोच विचार करके पूरी तरह से बहुत ही जल्दी हमारी CEC की मीटिंग होने जा रही है, जिसकी मैं भी मेंबर हूँ, और उसमें हम सबको बुलाएंगे, मुख्यमंत्री भी होंगे और अंततः एक ही नाम जाएगा उसमें, जो ये सर्वे भी करेंगे हाईकमांड, चाहे वो हमारे खड़गे जी है, सोनिया जी है, राहुल जी है, तो वो डिसाइड करेंगे कि कौन सबसे बेहतर कैंडिडेट है और किसको। 13 तारीख को इस बैठक को रखा गया है, तो इसमें बिल्कुल मुझे लगता है कि क्लियर है कि 13 तारीख को सारी सीटों का परिणाम जो है वो आपके जो कैंडिडेट्स का परिणाम है वो उसकी घोषणा कांग्रेस पार्टी द्वारा कर दी जाए।